मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बिना मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन्हें निष्पक्ष व निस्वार्थ भाव से कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि निम्न पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुविधा व लाभ पहुंचने चाहिए। समाज में अन्याय व शोषण से मुक्त व्यवस्था को मजबूत करें। मंत्री ने कहा कि पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति बिना बाधा लोगों को मिलनी चाहिए। धर्मशाला में बिजली की आंख मिचौली की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कपूर ने अधिकारियों को फील्ड मूवमेंट पर समस्या का पता लगाकर उन्हें दूर करने का आह्वान किया। धर्मशाला में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों व हाई मास्ट लाइटों को भी तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से हल करें। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बिजली विभाग है, यहाँ दुग्ध की जो सप्लाई है वो नियमित नहीं है, आँख में चोरी करते हैं। पहले एक खेती के लिए का सब स्टेशन था, अब धर्मशाला में तीन बन गए हैं, तो भी बिजली आँख में चोरी कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरे जो आईपीएच विभाग है, वाटर सप्लाई भी ठीक तरीके से लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, करोड़ों रुपया सरकार के हमारी सरकार के टाइम में भी खर्च हुआ है और फिर लोगों को पानी ना मिले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो जो स्ट्रीट लाइटें लगाई उसमें भी भेदभाव किया, और स्ट्रीट लाइट मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि जो सरकार है ठाकुर जयराम जी की, ये निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से काम करेगी। और सभी अधिकारियों को भी ये कहा है कि निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से काम करें ताकि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो और उनको न्याय भी।